नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर जल्द ही कांस्टेबल के 4438 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया सितम्बर 2021 से शुरू होनी है। उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस इस संबंध में जल्द ही विस्तृत जानकारी और भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वह भर्ती प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता के लिए राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जैसे भर्ती नोटिफिकेशन जारी होता है, अभ्यर्थियों को इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, अगर आप भी ईयरफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। राजस्थान के गुलाबी शहर में एक शख्स की ब्लूटूथ ईयरफोन में ब्लास्ट होने के चलते मौत हो गई है। हालांकि देश से पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां मोबाइल पावर बैंक में ब्लास्ट होने के चलते किसी न किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन में विस्फोट का यह पहला मामला सामने आया है। दरअसल अचानक ईयरफोन के दोनों बड्स धमाके के साथ फट गए और राकेश के दोनों कान से खून बहने लगा। बताया जा रहा है कि राकेश अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में राकेश को उसके परिजनों ने नजदीक के सिद्धि विनायक अस्पताल में ले गए, जहां उसकी जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी बड़ा घमासान मच सकता है। बीजेपी में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान पर अब बैनर होर्डिंग्स पर लगने वाले फोटो से सियासी संकेत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंच पर तो मौजूद थी, लेकिन बैठक के बैनर से उनका फोटो गायब था। बैनर पर पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के फोटो थे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक में बैनर पर वसुंधरा राजे का फोटो गायब है। इससे लेकर अब सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल पार्टी नेताओं ने दिल्ली में यह बैठक बुलाकर कहीं न कहीं साफ संदेश दिया है कि राज्य में वर्तमान युवा नेतृत्व को खुली छूट दी जाए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान से महाराष्ट्र, हिमाचल, चंडीगढ़ जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि रेलवे ने अब अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने श्री गंगानगर से नांदेड़ के लिए 10 अगस्त से स्पेशल ट्रेन चलाने का बड़ा निर्णय किया है। यह ट्रेन अप्रैल के बाद लॉकडाउन के कारण बंद कर दी थी। अब जब यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है तो रेलवे ने इस रूट पर दोबारा इस ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा जयपुर से हिमाचल के दौलतपुर चौक और बीकानेर से हरिद्वार के लिए चलने वाली वीकली ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ाया है। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही मची हुई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद अब आने वाले दिनों में लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 7 अगस्त से यानी कि आज से मानसून थोड़ा फीका पड़ सकता है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे बाड़मेर में सामान्य से अभी भी 44% और श्री गंगानगर जिले में औसत से 33% कम बारिश दर्ज की गई। इलाकों में अभी भी भारी बारिश का इंतजार है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के नागौर और बीकानेर क्षेत्रों में कई जगह भारी बारिश दर्ज की गई। शाम को बीकानेर, नागौर, जयपुर सहित कई जिलों का मौसम पलट गया, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद दिया है। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।